अरे रुखी, मैंने कल जैसा बताया वैसे ही मालिश कर रही हो ना? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर से नीचे। हाँ जी गंगा मई, आपने जैसे बताया वैसे ही कर रही हूँ। ताकत आ जाएगी ना इससे? हाँ जरूर आ जाएगी। ये पल्लों के नीचे आपने क्या लाया है? अरे आज दाल पालक बनाया था, थोड़ी ले आई तेरे लिए। अच्छा, पालक तो मुझे बेहद पसंद है। हमारी माँ घर के पिछवाड़े में लगाया करती थी, यहाँ तो आगे पीछे बड़ा आंगन नहीं है। मैं अपने खेत में लगाऊंगी। मेरे खेत में आएगा ना पालक? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तू क्या सचमुच खेती करने की सोच रही है? हाँ तो मई, नहीं तो खाऊंगी क्या? सब लोग कहते हैं हमारी जमीन बड़ी उपजाऊ है, सब कहते हैं। हाँ बिल्कुल सच कहते हैं। तुझे मालूम है तेरा ससुर और अपने पाटिल जी में हमेशा होड़ लगी रहती थी। सब कहते थे हरे भरे हाथ वाला है तेरा ससुर। पर माई, मैं गांव और खेत से इतने दूर रही हूँ, तो क्या मेरे बो देने से फसल आ जाएगी? अरे पगली, पहले अपने खेत की सफाई तो कर, यही तो दिन है बीज बोने के। परसों मैं बेरी माई के यहाँ से आ रही थी, रास्ते में ज्ञानदा चाचा मिले, मेरा हाल पूछने लगे। मुझे कहा तू तो ठहरी शहर वाली, गोबर मिट्टी में भी कभी हाथ डाला है तूने? तू क्या करेगी यहाँ पर? मैंने कहा मैं खेती करूंगी, तो वो और छोटे पाटिल सब हंसने लगे। कहने लगे खेती कोई आसान काम नहीं है, अच्छे खासे मर्द के भी नाक में दम आ जाता है, तू ठहरी अकेली औरत, ऐसा कर खेत किसी पर सौंप दे, मतलब किराए पे देके घर बैठे आराम से खा ले। नाम तो ज्ञान है उसका, पर आखिर ठहरा जो मरद, इनके खोपड़ी के ताले आसानी से नहीं खुलते। पर तू चिंता मत कर, अरे किसान क्या सिर्फ मर्द ही होता है? फिर हमने बचपन से क्या किया? हाँ गंगा माई, मुरली भी जानता है जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं? किसान। तो गंगा माई क्या है? किसान। हाँ बड़ा होशियार बेटा है तेरा। क्या मतलब? मैं समझे नहीं। लगता है छोटे पाटिल जी ने और ज्ञानदा ने ठीक ही कहा था, यह औरत का काम है ही नहीं। कौन सा काम? यही खेती बाड़ी। कहते हैं ये जमीन का टुकड़ा मेरा है। हाँ है तो मेरा ही, लेकिन ये तो अनपढ़ आदमी के हाथ सुंदर कहानी का पर्चा देने जैसी वाली बात हुई। अनपढ़ गवार क्या पड़ेगा, वैसे जमीन का टुकड़ा, क्या करूं मैं इसका? लेकिन गांव के सब लोग कहते ये जमीन बड़ी उपजाऊ है। हाँ सुना तो मैंने भी है,
पर क्या फायदा, तुम हिम्मत मत हारो, कुछ बोने की सोचिए। बोने की बात तो बहुत दूर की, पहले इसकी सफाई करनी है। कहां से शुरू करूं यही समझ में नहीं आता, मामूली काम थोड़ा ही है, सोचकर ही निराश होने लगती हूँ। अरे आप दोनों की सास तो है नहीं, फिर किसकी बुराई चल रही है? खुद की बुराई चल रही है। भला आप में क्या बुराई हो सकती है? अरे ये दुखी हो रही है, समझ में नहीं आता खेत की सफाई की शुरुआत कहाँ से करे। क्यों, ये इतना काम मुझसे कैसे होगा? काम कोई हाथ पर हाथ धरे थोड़ी होता है, माँ की झोली में बैठती थी तब से काम पे जा रही हूँ। गांव में जब अकाल पड़ता था ना तो मानो खेती बाड़ी के सारे काम ठप हो जाते थे। माँ कहती गांव के खेती बाड़ी में मजूरी ना मिली तो क्या हुआ, ऊपर वाला जब पेट में भूख पैदा करता है तो रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं काम भी पैदा करता है। बस हाथों में हिम्मत और पैरों में ताकत होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। लेकिन ये काम 3-3.5 लोगों से निपटने वाला नहीं है, और जमीन जोतने के लिए हल भी तो चाहिए और ट्रैक्टर भी, मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी। अगर इतना पैसा मैं लाऊंगी कहाँ से? मुझे नहीं लगता आएगा। देखो बुआ, तुम मुझे खाम खा डरा रही हो। मेरा महादेव परमेश्वरी को लेकर जरूर वापस आएगा। अरे जो पढ़ाई लिखाई अपनी मिट्टी से दूर ले जाए वो किस काम की भला है? मगर सासू जी आप भी तो चाहती थी ना कि जेठ जी शहर चले जाए नौकरी के लिए। हाँ री, सोचती तो थी कि इस निकम्मे गांव में बैठकर वो बेचारा क्या करेगा, लेकिन अब तो गांव में नई रोशनी आने लगी है। कौन आया है? मेरी अम्मा। निकम्मा? कौन निकम्मा? आप और कौन? बाप। तेरा बाप? हाँ ये ठीक कहा तूने, मैंने तो तेरे बाप से ज्यादा निकम्मा आदमी देखा ही नहीं, लेकिन तू तो हमेशा उसके गुण गाती थी। हे राम। माँ मैं अभी आया। जानकी तेरा बाप निकम्मा था या नहीं मालूम नहीं, पर तेरा बेटा जरूर निकम्मा है। क्या कहा बुआ जी? हाय नानी बहू, तेरे ससुर जी की तरह क्या इनके भी कान के? चल मैं आऊंगी। मैं चलता हूँ। सुन गणेश, वो अनाज की बोरियां बाजार भेजी थी, दलाल से कहके उसका हिसाब लेते आना। नहीं माँ मुझे टाइम नहीं है। सासू जी वो हिसाब तो मैंने कल ही कर दिया। अच्छा इतनी सी तो बात थी, मैंने कर दी। खेतों में पसीना बहा है हम और रोकड़ा गिने हमारे मरे, वारी वाह। और जब गिन के घर आए तो 30 त्योहार मनाओ। हमारा पसीना तो सीधा बोतल में बंद होकर उनके गिलास में उतरता। सच कहा तूने, उस दिन वो रुक्मिणी बेचारी सुना तुलसी और बसंती की मदद लेकर काम में डटी रही। हाँ। जमीन की सफाई करती रही। अच्छा तो अब उनकी जमीन फिर से जाग जाएगी। लेकिन हल या ट्रैक्टर कहाँ से चलाएगी? बेचारी पैसे की चिंता में आधी हो रही है। कह रही थी पाटिल से ट्रैक्टर मांग लेगी। हाँ। और कुछ कर्जा भी। पाटिल से कर्जा लेगी? हाँ। तो सीधा जमीन का टुकड़ा उसे बेच के नहीं देती?
अरे छोटे पाटिल की नजर पहले से उस पर है। अब बुआ पाटिल से कर्जा लेगी तो वो सूद समेत वापस तो लेंगे ही। हाँ। अरे धंधा है उसका। छीछी पैसे बेचना ये भी कोई धंधा हुआ? अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं इतने कम ब्याज पे देती, बेचारी रुक्मिणी पर जमीन बेचने की नौबत नहीं आने देती। तो फिर दे क्यों नहीं देती? क्या मतलब है, कैसे खजांची है तू? इतनी सी बात भी नहीं समझती? हमारी सहकारी मंडली की पूंजी किस लिए है? तेरे मुंह में घी शक्कर। ओ रुक्मिणी तुम्हें इतनी दुआ देगी, इतनी दुआ देगी। सच गंगा माई सच। लेकिन कत्रियों के लिए पूंजी कम तो नहीं पड़ जाएगी? बुआ जी इस बार हमने बहुत सारे पुराने कपड़े जमा किए हैं शहर के दर्जियों से। हाँ और इस तरह कुछ बचत और कर लेंगे बुआ जी, मगर रुक्मिणी को छोटे पाटिल के सामने झोली फैलानी ना पड़े। वो तो पड़ेगी। वो क्यों? अरे ट्रैक्टर जो है उसके पास। तो ऐसा है रुक्मिणी। हाँ लेकिन पाटलन जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वो आप कह रही थी ना ट्रैक्टर तो छोटे पाटिल शादी की मंडली को ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उनके लिए कुछ और इंतजाम? हाँ वैसे हो सकता है। क्यों पाटलन जी, मैंने ठीक ही कहा ना? चुप कर तू, पागल तो नहीं हो गया? अरे नाथा पटेल अपने दोस्तों को ले जाएंगे ट्रॉली में बिठाकर, और हमारे छोटे सरकार अपने दोस्तों को बस का टिकट कटवाकर। कुछ शान शौकत है कि नहीं? तो आपकी तरफ से हम ना ही समझे? अरे तू पागल तो नहीं हो गए? ऐसा मैंने कब कहा? अरे मैं तो ये कह रही थी, देखो मेरे वो अभी यहाँ है नहीं, मेरा बड़ा बेटा भी उनके साथ गया हुआ है, और अगर उनको पता चला कि मैंने रुक्मिणी को ट्रैक्टर देने से मना कर दिया तो गुस्सा नहीं होंगे क्या मुझ पर? बस एक है कि अभी ट्रैक्टर की रिपेयर ही होनी है, हमारे नीचे वाले खेतों में काम है, अरे बाजार में बोरियां पहुंचानी है, और फिर शादी के लिए ट्रॉली में बिठाकर छोटे मियां है ना वो भी हमारे। लेकिन पाटलन जी उसकी रिपेयरी तो होने वाली थी गज्जू, होने वाली थी लेकिन अभी हुई नहीं है। पिछले हफ्ते तो जीवन चाचा के ट्रैक्टर की रिपेयरिंग हुई थी शायद। क्या ऐसा कह रही थी वो? चाचा और बोली जीवन चाचा का ट्रैक्टर तो अब जमीन जोतने लायक रहा ही नहीं। हाँ और बोली वो लोगों को ट्राली में बिठा कर ले जाने वाली टमटम है। और पाटलन बोली जीवन चाचा के ट्रैक्टर की रिपेयरिंग भी पूरी नहीं हुई, इन्होंने तो अब उसे खेत में इस्तेमाल करना ही छोड़ देना चाहिए। और क्या बोली पता है? आपका बेटा बासु नौटंकी के पीछे, अब आपको क्या जरूरत है ट्रैक्टर की? आप अपना ट्रैक्टर बेच डाले तो ये अच्छा है। और कह रही थी बस 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 हो गया, ले जाओ मेरा ट्रैक्टर ले जाओ, कल ही ले जाओ, और दिखाओ चला के तुम्हारे खेत में कैसा मिनटों में काम निपटाता है मेरा राजा ट्रैक्टर। टम टम कहती है, अरे टम टम तो उनके पास है, बस ले जाओ कल ही ले जाओ। नहीं देखो किराए का बाद में तय करेंगे, ले जाओ तुम। वो बात नहीं है चाचा, मैंने सहकारी मंडली से कर्जा लिया हुआ है, मैं आपका सारा का सारा किराया चुका दूंगी। Thank you.
से मुक्ति पाना है इसका एक हल है, वो हल है केंचुओं की खेती। केंचुओं तो किसानों का मित्र कहलाता है। पहले जमाने में काफी केंचुए थे, जिसे लोकल भाषा में गांडुल भी कहते हैं। केंचुआ बहुत प्रसिद्ध शब्द है। ये केंचुए पहले जमाने में काफी थे, अब कहाँ गए? ये जो पर्चे आपको दिए जा रहे हैं, इसमें सब जानकारी दी है, और मेरा आपको सुझाव है कि आप ये प्रयोग जरूर करके देखिए कि आप रासायनिक खादों से मुक्ति पा सकते हैं या नहीं, बिना खर्चे अपनी खेती कैसी हो सकती है। ये प्रयोग करने की बात है, और जब आप करेंगे तभी आप उस पर विश्वास रखेंगे। केंचुओं की खेती यानी केंचुओं के जरिए जो खादी मिट्टी बनती है उससे अपनी जमीन फलती फूलती है। किसी रासायनिक खाद तथा दवा के बिना। दादा, एक अकेली औरत क्या कर लेगी? कुछ नहीं, हमारे वो पार्वती बने हैं और वासु भैया शंकर। लेकिन अभी तक तो ये ठीक थे, अचानक क्या हो गया? ऐसा ही होता है, अभी तक वो लिख रहे थे, वो क्या कहते हैं उसे, डायलॉग। अच्छा अच्छा वासु, मुझे ये शंकर जी का पढ़ता हो अच्छा नहीं लग रहा है। अरे यही तो मर्दों का यह अहंकार शिव जी के जमाने से चलता आ रहा है। अच्छा ठीक है, चल शुरू हो जा। पति देव फेंकी है ना पासे। लेकिन पार्वती, एक बार फेंका हुआ पासा वापस नहीं लिया जा सकता। जानते हैं पतिदेव, फेंका हुआ पासा चाहे आदमी ने फेंका हुआ या तकदीर ने फेंका हुआ वापस नहीं लिया जा सकता। मेरे दिल का डाला है। क्या, अरे तू तो छा गया यार। आगे बोल, आगे बोल। पतिदेव अब आपकी बारी है, फेंकिए ना पासे। पतिदेव, 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 आप ठीक से देखिए ना, आपको क्या दान मिला है? आप जीते नहीं है, हारे हैं, हारे। नहीं, ये तूने क्या कहा, हम हार गए हैं? अरे तीनों लोगों का संहार करने की ताकत जिसमें है वो महादेव, अमृत मंथन से निकला हरा हार पीने वाला वो नीलकंठ, भूतों को अपना बनाने वाला भूत। क्या कह रहे हो, भूतों को अपना बना दिया? अरे भक्त यार, भूतों को अपना बनाने वाला, भक्त बनाने वाला भूतनाथ, वो शंकर और गया। हाँ हाँ हाँ, मैं ये खेल बंद कर दूंगा। प्रभु, आपने खेल खत्म कर दिया तो गजब हो जाएगा, हो जाएगी सारी सृष्टि नष्ट। हो जाने दो। अरे वाह वाह, नष्ट दुष्ट। आगे क्या हुआ? अरे यार, आगे की कहानी हमें लिखनी है। क्या हुआ, कहानी इसके बाद एक अलग मोड़ लेती है, ठीक है? पार्वती जी शंकर जी से रुष्ट होकर चली जाती है। वो शंकर जी को कहती है कि मैं अपनी खुद की नई सृष्टि बसाऊंगी बिना महादेव के। हाँ, बिना महादेव के। पर शंकर जी सोचते हैं कि ये अकेली औरत क्या करेगी, मगर पार्वती जी ने नई बस्ती बसाई, नए लोग, नई खेती बाड़ी, एकदम हाई क्लास, बिना शंकर के। तुम जानते हो ना, ये नवरात्रि में औरतें एक थाली में बीज बोकर उसकी पूजा करती हैं। हाँ, तो उसको पार्वती जी की नई सृष्टि का प्रतीक मानते हैं। क्या बात, चलो आगे तो लिखते हैं। अच्छा, वो सीन हम लोगों ने। नानी बहू, मैं तो कहूँ थाली की बजाय क्यों ना हम ये नया प्रयोग मेरे खेत में करके देखें। हर हर महादेव। जय पार्वती माता। Thank you.
रुक्मिणी भाभी, और रुक्मिणी भाभी, चलो जल्दी चलो, बुलाया है अभी। हाँ कहाँ? पंचायत में मीटिंग चालू है। किसने? हाँ आपको बुलाया है, अभी के अभी बुलाया है। चल मुरली। पंचायत ने बुलाया है रुक्मिणी को। अकेली गई है रुक्मिणी? गई, चलो देखे। किस लिए बुलाया है? मीटिंग। कौन सी मीटिंग? रुक्मिणी अकेली गई है पंचायत में? देखो तुम्हारी बकरी ने रामू चाचा के सीताफल के पेड़ों का तो सत्यानाश कर दिया पूरा। परसों वो शंकर चाचा के खेत में घुस गई थी, पता नहीं कितने पेड़ पौधे निकल गई। देख देख, पहली बार तूने खेत में बोया है तो खुद को समझती क्या है? समझती क्या? अरे तुझ पर तरस खा के कम दाम में मेरी बकरी और गाय बेची थी तुझे। अरे मेरे बाल पर से तू हर रोज गुजरती है, मैंने कभी मना किया है तुझे? वैसे तो भादो पाटिल कानूनन तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अरे तू वैसे नए नहीं है इस गांव में, तुम्हें यहाँ के कायदे कानून समझ लेना ही चाहिए। फिर हम में से किसी को पूछ लेती, हम सलीके से बता देते। देखो ऐसा ही तुम्हारा रवैया रहा ना तो तुम्हारे खेत में जाने वाला पानी हम पंचायत वालों को बंद करना पड़ेगा, जबरन बंद करना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे खिलाफ कितनी शिकायतें हमारे पास आई हैं? फिर जीवन चाचा, बहु बेटियों को अकेले बुलाकर गुनाहगार बना के पंचायत के सामने क्यों ला रहे हो? आप इसके खेत का पानी क्यों बंद कर रहे हैं ये क्या हम जानते नहीं? लेकिन खेत का पानी बंद करना यानी बच्चे के मुंह से माँ का दूध छीनने जैसा है और वो हम कभी नहीं होने देंगे। आप इसे अकेली औरत समझते हैं? हम सब इसके साथ हैं। बिल्कुल, आप सबको शिकायत सिर्फ यही है कि इसकी फसल सबसे अच्छी क्यों हुई। एक बात मेरी बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है। क्या भला उसकी फसल हम सबकी फसल से अच्छी कैसे? तो क्या बात है, दो चार महीने पहले शहर की खेती कॉलेज से एक अफसर आए थे, उन्होंने केंचुओं के खाद के बारे में कुछ बताया उसे। और कागज भी दे दिया। वो औरत, उसको तो कुछ काम ही नहीं था, दिन रात पढ़ पढ़ के रट लिया और इस्तेमाल भी किया। और क्या, पढ़ पढ़ के रट लिया और इस्तेमाल कर। माँ अपना खेत कितना हरा भरा दिख रहा है, जल्दी चलो माँ, जल्दी चलो। धीरे धीरे बेटा। माँ भागो, दौड़ो। विश्वास दिलाए ये विज्ञान, औरत भी है एक किसान। नया तंत्र दे काला अक्षर, सफल फसल दे काला अक्षर, नई उमंग दे काला अक्षर। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी जिंदगी, भैंस बराबर, भैंस बराबर। अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर।